नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग के लिए महिला एवं सामान्य शाखा के अंतर्गत कई भर्तियां निकली हुई हैं। मतलब उत्तराखंड जो है पीजीटी की भर्तियां निकली हुई हैं। तो जो विज्ञापन है वो निकला हुआ है, जो विज्ञापन प्रकाशित होगा वो क्या है, 12/10 को प्रकाशित होगा, मतलब आज से 2 दिन बाद पत्र प्रकाशित होगा। ये वेबसाइट पे अवेलेबल है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 1 नवंबर को। इसी तरह से आवेदन शुल्क भरने की जो लास्ट डेट है वो भी 1 नवंबर है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्तांतरित जो है प्रिंट आउट के साथ शाखावार विषयवार पृथक पृथक समस्त अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अभिलेख जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 16 नवंबर। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के पश्चात आपको प्रिंट आउट लेना है, उनको सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब स्वहस्ताक्षरित करना है, और उसके बाद जो उसमें डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लगा के आपको भेजना है 16 नवंबर के पहले। तो आइए देख लेते हैं किन किन पदों पर किन किन विषयों में वैकेंसी निकली हुई हैं। तो आप यहाँ पर पूरा देखते जाएंगे कि आपको जो फीस है वो आपकी लगेगी जो है महिला श्रेणी के लिए जो है 150 रुपये। इसी तरह से जो सामान्य शाखा के हिंदी प्रवक्ता एवं अंग्रेजी प्रवक्ता तथा महिला शाखा के हिंदी एवं अंग्रेजी प्रवक्ता, उनके सबके लिए जो टोटल फीस है वो 300, अर्थात कुल मिलाकर जो पूरा प्रोसेसिंग फीस है 600 रुपये जमा करना होगा। तो अब देख लेते हैं कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ संवर्ग परीक्षा 2020 के संगत जो सेवा नियमावली के अनुसार लिखित परीक्षा होगी, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस होंगे और उनको उनके आंसर्स देने होंगे। अब आपको बताते चले कि जो रिक्तियां हैं किन किन विषयों में है। तो कुल जो रिक्तियां हैं जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई हैं वो हैं 571 रिक्तियां। तो जो ये रिक्तियां हैं वो घटाई भी जा सकती हैं, बढ़ाई भी जा सकती हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी रिक्तियां हैं। तो प्रवक्ता सामान्य वर्ग के अंतर्गत 544 पद हैं, मीन्स सामान्य के अंतर्गत 544, जैसे हिंदी विषय प्रवक्ता के लिए मीन्स लेक्चरर जो हिंदी के लिए कुल जो पदों की संख्या है वो 84 है, अनुसूचित जाति में 17, अनुसूचित जनजाति में 7-4, अन्य पिछड़ा वर्ग में 11, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब EWS में जो है कितने हैं, 8 हैं, और अनारक्षित कुल जो है 44 है। इसी तरह से ज्योग्राफी लेक्चर अंग्रेजी लेक्चरर के लिए 74 पद हैं कुल पदों की संख्या, उसमें अनरिजर्व जो है 39 हैं। और आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि SC ST OBC व EWS के लिए कौन कौन से हैं। भौतिक शास्त्र के लिए जो पदों की संख्या है वो है 64, संस्कृत के लिए 21, रसायन शास्त्र के लिए 57, गणित के लिए 30, जीव विज्ञान के लिए 49, नागरिक शास्त्र के लिए 43, अर्थशास्त्र के लिए 78, इतिहास के लिए 10, भूगोल के लिए जो है 22। अब जैसे भूगोल विषय के लिए 22 हैं, तो इसमें जो सामान्य वर्ग या अनरिजर्व्ड के लिए 10 पोस्ट हैं। इसी तरह से समाज शास्त्र की 9 पोस्ट है लेक्चरर के लिए, कला के लिए 1, मनोविज्ञान के लिए 1 व कृषि के लिए 1। तो सामान्य शाखा के अंतर्गत 544 पद हैं। अब इसी तरह से सामान्य शाखा का जो क्षैतिज आरक्षण वाइज विवरण दिया हुआ है, आप पूरा देख लीजिएगा, पूरा ध्यान से पूरी विज्ञप्ति डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी तरह से ये पूरा सब सामान्य वर्ग के दिव्यांगजनों के लिए जो है दिया हुआ है। अब देख लेते हैं जो प्रवक्ता संवर्ग है मीन्स फीमेल लेक्चरर के लिए जो कुल 27 पद हैं, तो कौन कौन से पद हैं। जैसे हिंदी में 4 पद हैं, अंग्रेजी लेक्चरर के लिए 1 पद, भौतिक शास्त्र के लिए 2 पद, रसायन शास्त्र के लिए 5 पद, गणित के लिए 4 पद, जीव विज्ञान के लिए 5 पद, अर्थशास्त्र के लिए जो है 5 पद व भूगोल के लिए 1 पद है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, इनका क्षैतिज आरक्षण वाइज पूरा दिया हुआ है। और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आप देख लीजिए, जैसे प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, मनोविज्ञान एवं अंग्रेजी, इन सभी पदों पर लेक्चरर के लिए जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, जो एलिजिबिलिटी है, वो क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से
संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर डिग्री मीन्स मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करना है, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी आपकी डिग्री है वो पूरी करना है। इसी तरह से जो दूसरी जो कंपलसरी है एलिजिबिलिटी वो कौन सी है, राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि मीन्स बीएड कंपलसरी है। ठीक है, तो अगर अधिमानी अर्हताएं क्या है कि अगर सभी बातें समान होती हैं तो उस मामले में उस अभ्यर्थी को अधिक वेटेज दिया जाएगा जिन्होंने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट अथवा सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो या एनएसएस का जो है सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। ठीक है, तो नागरिक शास्त्र प्रवक्ता के लिए क्या है कि नागरिक शास्त्र के प्रवक्ता के लिए राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर होने की चाहिए और बीएड या एलटी डिप्लोमा होना चाहिए। इसी तरह से जीव विज्ञान के लिए क्या है कि वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री हो एवं राजकीय सरकार द्वारा एलटी व बीएड की प्राप्ति हो। इसी तरह से हिंदी के लिए क्या है, हिंदी में स्नातकोत्तर होनी चाहिए व विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक या भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि हो, साथ में एलटी या बीएड डिग्री हो। संस्कृत प्रवक्ता के लिए क्या है, संस्कृत में स्नातकोत्तर हो अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य साहित्य, आचार्य व्याकरण, आचार्य फलित ज्योतिष, आचार्य नव्य व्याकरण, आचार्य वेद, आचार्य तुलनात्मक दर्शन की उपाधि ये होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको एलटी डिप्लोमा या बीएड होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से प्रवक्ता कला का आप देख लीजिएगा, प्रवक्ता जो है किस शास्त्र का देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप पूरा देख लीजिए। जो इनका वेतनमान है वो लेवल 8 में आता है, मींस इनका जो ग्रेड पे है वो 4800 है और जो इनका लेवल 8 है वो 47,600 से लेके 151,100 के बीच में है। तो आप ये पूरा जो है डिटेल देख लीजिएगा। और ये बहुत दिनों बाद वैकेंसीज निकली हुई हैं, नीचे पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है, ये पूरा आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आप वो देख सकते हैं कि आप उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे। जैसे ही रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे यहाँ दूसरा जो सेक्शन दिया हुआ है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा प्रवक्ता संवर्ग समूह का सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2020 के संबंध में विज्ञप्ति एवं विज्ञापन, ये आज निकला हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी से मैंने आपको डाउनलोड किया है पीडीएफ कॉपी। अब आपको बताते चलें कि जो लिखित परीक्षा होनी है वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी, उनके लिए जो नगर हैं वो फिक्स हैं, जैसे अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, उसके बाद जो है कोटद्वार, गोपेश्वर, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश व रुड़की, समझ रहे हैं? तो ये जो है प्रमुख रूप से दिए हुए हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और आपको क्या करना है कि जो इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इसमें लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, जैसे अनारक्षित श्रेणी एवं संबंधित उप श्रेणी के लिए 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो श्रेणी है उसमें 40% अंक, उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं संबंधित उप श्रेणी के लिए 40%, उत्तराखंड अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित उप श्रेणी में 35% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है, तभी जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने दोस्तों में जो भी लोग एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि आप जानकारियों का आदान प्रदान करेंगे तभी आपके साथी और सहयोगी इन वीडियो से लाभ ले सकेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको शिक्षा जगत की एवं रोजगार जगत की लगातार जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।